तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेव अग्रेस जीव लोग। और आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हो गए। नहीं बावलीगढ़, हम लोग बिल्कुल अच्छे नहीं है। एक होता है ब्लॉगर, दूसरा होता है कपल ब्लॉगर। ये जो कपल ब्लॉगर होता है, इनसे ज्यादा बकचोद कोई कर ही नहीं सकता। अगर इनके चैनल में व्यूज कम आने लग जाए ना, तो ये 9 महीने के लिए क्रेजी कॉन्टेंट बना लेते, जहाँ इनके खुद से खुद का गांड धोया नहीं जाता। अब ये बच्चों का धो रहे, गजब बेइज्जती है। खैर, आज हम इन कपल ब्लॉगर को ब्लॉग सिखाते हमारे स्टाइल में। अबे भी उसके भूखे वो बच्चा है, और तू अभी से पूरा हाथों पे नचा रहा है। मतलब पूरा प्लानिंग चल रहा है कि जोकर ही बना लो। मतलब जो इंसान साला कंटेंट के लिए बच्चा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसका मूड नहीं है बीच में जरा। जब माँ बाप खुद बच्चा दिखे ना, तो बच्चे का क्या ही मूड होगा। उसका मूड तो जब से पैदा हुआ है तभी से खराब है। बस फर्क इतना है कि वो बोल नहीं सकता। ये बच्चा इनसे इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि अब इसके मुंह से पहले माँ नहीं, माँ की गाली निकलेगी। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। ये देखो अभी मयूर भाई युवान को घुमा कर लेकर आ गए वापस। अबे तुम लोग चूतिया हो क्या? मुझे अभी भी एक हाथ से साइकिल चलाने में डर लगता है, और तुम लोग बच्चा पकड़ के एक हाथ से स्कूटी चला रहे हो। खुद के लिए ना सही, बच्चे का तो सोच लो। हो सके वो बच्चा बोल नहीं सकता, इसका मतलब तुम लोग कुछ भी कर लोगे। मैं बता रहा हूँ, ये लोग कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकते। इनका बस चले तो बच्चे से ब्लॉगिंग करवा ले। हेलो एवरीवन, तो आज का वीडियो हम अकेले स्टार्ट कर रहे हैं। इनके आंखों में ब्लॉगिंग का ऐसा चश्मा लग गया है कि सामने दो बच्चा है फिर भी इनको नहीं दिख रहा। हालांकि ये जिसे ब्लॉगिंग बोलते हैं, उसे वही या चीजें इंटरनेट पे कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों, होली है आज को, और आज हम लोग पूरा भांग खा लिए है, रोशनी हम भांग के साथ थोड़ा जहर भी पी लेते। क्या पता साइड इफेक्ट से तुम्हारे ब्लॉगिंग का नशा ही उतर जाता। और ये लोग लाइफ को इतना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं कि साला उतना तो सुअर को कीचड़ मिल जाए तब भी नहीं होता। और हंसी तो मुझे खुद पे आ रही है, कंटेंट नहीं मिल रहा था तो इनको रोस्ट करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अभी हो चुका है मॉर्निंग, और अभी आप लोग देख सकते हो मैं इतना घिस घिस के नहाया हूँ, बट मेरा कलर छूट ही नहीं रहा। कौवा जितना भी नहा ले फिर भी वो सफेद तो होने से रहा, और तू जितना भी घिस के नहा ले तेरे सर का कीचड़ वो निकलने से रहा। गजब बेइज्जती है। इनका ब्लॉग देख के इतना समझ आया कि लाइफ में कुछ कर ना पाओ ना, तो शादी करके एक ब्लॉगिंग चैनल ही खोल लो। हर साल एक बच्चा करते रहो, स्कोप ही स्कोप है। तो रोशनी के साथ अभी रोमांटिक होली खेलेंगे छत में जाके, उसको पता भी नहीं है। उसके साथ रोमांटिक होली खेलना है और उसको पता भी नहीं? अरे गधे की कांड, तुझे रोमांटिक होने के लिए होली की क्या जरूरत है? तू 12 महीने रोमांटिक होता है। ये वो घोड़ा है जो घोड़ी चढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो देख सकते हो रोशनी को मैं गुलाल लगा दिया हूँ सर पे, और अभी फेस पे भी लगाऊंगा। इसको रोमांटिक होली कब से बोलने लगे? हाँ भाई, यही है रोमांस। तो मैं अभी लगाता हूँ उसको, देखता ऋतिक रो रहा है, उसको मैं नहीं दिखाऊंगा, वो अभी नंगू है। और बॉन बिटा के चोदे, वो बच्चा नंगा है तो क्या हुआ? तेरी तरह असली हरकतें नहीं करता। कसम से, ये वीडियो बनाने के लिए मैंने इनको इतना देखा है कि आप मेरे दिमाग का भोसड़ा हो चुका है। और हाँ, भोसड़े के गुट का थोड़ा कम खाया कर, टट्टों का कैंसर हो जाएगा। तो हम लोग अभी होली खेल लिए, अभी फोटो शूट कर लेते हैं और थोड़ा रोमांटिक अंदाज में होली खेलते हैं। अबे निरोद के मरीज से कितना रोमांटिक होली खेलेगा? ये गुटके का रोमांस गाढ़ तक ही रख, सोशल मीडिया पे नहीं। इनको देखे मेरा खून ठंडा पड़ रहा है, जबकि गर्म होना चाहिए। अबे वायग्रा के चौधे, कितना चैन चाहिए? अब ये गधे की आवाज में मोहल्ला उठवाएगा, बस कर, वरना मुँह में केला डाल के बंद करना पड़ेगा। इस जंगली सुअर में इतना अश्लील आता कहाँ से? हर बात पे चूमने लग जाता है। और भोसड़ी के बच्चा तेरे को परेशान नहीं कर रहा है, तू बच्चे को परेशान कर रहा है। सोच रहा होगा कि कैसे गधे को बाप बना दिया। अभी शादी का 3 साल हो जाने वाला है हमारा, बट अभी तक हमारा बेबी नहीं हुआ क्या? अबे तू ना माथे पे नीरोद लिखवा ले, इतना अश्लील आता कहाँ से? एक बच्चा हाथ में और दूसरा बच्चा पेट में, जैसे तुम्हारा बोलना है। हर साल एक बच्चा कर रहा है, नहीं यूट्यूब से इतना ज्यादा पैसा मिल रहा है जो ये हर साल एक बच्चा अफोर्ड कर सकता है? अगर हर घर में एक ब्लॉगर ऐसा बन जाए ना, तो फिर पॉपुलेशन की तो समझ रहे हो, पैसा बर्बाद। ये लोग वो ब्लॉगर है, अगर इनके पास कॉन्टेंट ना हो तो एक रात में 9 महीने के लिए कॉन्टेंट बना देते। तो इन ब्लॉगर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि अब हमारी बस की नहीं है। और हाँ, ये वीडियो बस हंसी है मजाक है, तो इसको सीरियसली मत लेना। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो क्या देख रहे हो, लाइक बटन को ठोक दो। और तुम लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, ऐसा ब्लॉगिंग रोस्ट आता रहेगा। अब मैं भी जाता हूँ लड़की देखने, शादी करके ब्लॉगिंग करना है।